वेलकम टू खुशबू कुकिंग ब्लॉग। आज हम बनाएंगे खट्टा मीठा साग। इसे हम अच्छे से धो लिए हैं और काट के, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गांव में इसे तितवा साग बोला जाता है। तभी हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसे कढ़ाई में, हम अभी फ़ौरन में कुछ नहीं डालेंगे, इसे बस चढ़ा देंगे। इसको हम धो चढ़ा दे रहे हैं कढ़ाई में। गैस को ऑन कर दिए हैं और इसे कढ़ाई में डाल दिया। अब इसे हम ढक देंगे पूरा अच्छे से गल जाए। और इधर मेरा चाय चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम फोरन ले लिए हैं, जो कि फोरन में डालेंगे खड़ा मसाला, तेजपत्ता और लाल सूखा मिर्च, लहसुन को थोड़ा सा थकूच लिए हैं, जैसे कुछ यहाँ पे अदरक का 3-4 कली और थोड़ा सा अजवाइन 1 चुटकी। तो चलिए चेक कर लेते हैं हुआ है कि नहीं। तो हल्का हल्का गलना स्टार्ट हो गया है। इसमें पूरा गल के पानी छोड़ देगा, इसमें सूख जाएगा उसके बाद। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक मिला देंगे, जिससे और अच्छे से गल जाए। अब हम इसे अच्छा से मिला लेंगे। देखिए पानी छोड़ना शुरू हो गया है। इसे हम फिर से ढक देंगे। तो देखिए साग अच्छे से सूख गया है, पानी साग का, और इस पूरा सूख के थोड़ा सा हो गया है साग। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी बराबर ही रखना है, जैसे कि ज़्यादा पानी नहीं ना ही कम, पानी बराबर रखना, जिससे साग पूरा पानी के बराबर हो जाए। अब हम इसे ढक देंगे अच्छे से पक जाए। तो इधर देखिए साग हो रहा है और इधर हम इसका फोरन पका लेते हैं। 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे, तेजपत्ता डाल देंगे और 1 चुटकी अजवाइन डाल देंगे, और हम ये लहसुन और अदरक गिरा देंगे। ये सब को हम थोड़ा सा लाल कर देंगे। देखिए फोरन पक गया है, पूरा लाल हो गया। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं। और इसे अब हम डालेंगे। तो देखिए टेस्टी साग बन के रेडी हो चुका है। आप इसे चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत अच्छा टेस्ट है। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू।